नमस्कार, रेडियो मधुबन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं कॉरपोरेट सेंट्रल। एल्कम लैब्स में क्या हुई गड़बड़ी, अदानी समूह किस कारोबार में उतरने की तैयारी में है, जीपीटी हेल्थ केयर के आईपीओ को आखिरी दिन कैसा मिला रिस्पॉन्स बताएंगे आपको, और इसके अलावा भी होंगी कॉरपोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं कॉरपोरेट सेंट्रल। आरबीआई ने एनपीसीआई से पेटीएम पेमेंट्स बैंक की थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर यानी कि टीपीएपी के लाइसेंस के लिए आई अर्जी पर विचार करने के लिए कहा है। माना जा रहा है कि 4 से 5 बैंकों को पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बनने की मंजूरी मिल सकती है। ये मंजूरी मिलने पर हैंडल दूसरे बैंकों में शिफ्ट होगा। साथ ही पेटीएम ने ईडी की पूछताछ में कहा है कि उसके पास आउटवर्ड रेमिटेंस के लिए लाइसेंस ही नहीं है। खबर के चलते आज पेटीएम का शेयर 5% के ऊपरी सर्किट पर 428.10 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। एचडीएफसी बैंक को अपने एजुकेशन लोन कारोबार से जुड़ी सब्सिडियरी कंपनी एचडीएफसी क्रेडिया में 90% हिस्सा बेचने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिल गई है। 2 विदेशी निवेशकों बीपीईए, ईक्यूटी और साइरस कैपिटल को 9,060 करोड़ रुपए की रकम में ये हिस्सेदारी बेची गई है, जिसके बारे में हमने आपको अपने वीकेंड स्पेशल शो कंपनी के एपिसोड नंबर 79 में जानकारी दी थी। खबर के चलते आज एचडीएफसी बैंक का शेयर हल्की बढ़त के साथ 1,421.95 रुपए पर बंद हुआ। अदानी समूह भी इलेक्ट्रिक कारों के कारोबार में उतरने की तैयारी कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अदानी समूह की अगुवाई करने वाले गौतम अदानी की ओबर के सीईओ दारा खोसरोशाही के साथ 24 फरवरी को हुई बैठक में ओबर के राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार रोल आउट करने के लिए रणनीतिक पार्टनरशिप करने पर विचार हुआ है। खबर के चलते आज अदानी इंटरप्राइजेस का शेयर करीब 0.25% की मजबूती के साथ 3,328 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। मीडिया कारोबार के विलय के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज और वॉल्ट डिज्नी के बीच डील हो गई है। इस करार के तहत दोनों कंपनियों के भारत के मीडिया कारोबार यानी कि वायकॉम 18 और स्टार इंडिया का विलय होगा, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज की 61% हिस्सेदारी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों कंपनियां इसी हफ्ते डील की घोषणा कर सकती हैं। खबर के चलते आज रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर करीब 0.5% की गिरावट के साथ 2,975.10 रुपए पर बंद हुआ। संकट का सामना कर रही एयरटेक कंपनी बायजूस के फाउंडर बायजू रविंद्रन ने कर्मचारियों को एक पत्र लिखकर कहा है कि वो सीईओ के पद पर बने रहेंगे और प्रबंधन में कोई बदलाव नहीं होगा। बीते शुक्रवार को हुई ईजीएम के दौरान शेयरधारकों ने कंपनी में कथित कुप्रबंधन और विफलताओं के चलते उन्हें हटाने का प्रस्ताव पेश किया था। जी इंटरटेनमेंट मामले में सेवी से कंपनी मामलों का मंत्रालय यानी कि एमसीए जानकारी मांग सकता है। दरअसल एमसीए की ओर से कंपनी में कॉरपोरेट गवर्नेंस से जुड़े नियमों के उल्लंघन की जांच की जा रही है। इसी जांच के तहत गोयनका परिवार को तलब किया जा सकता है। खबर के चलते आज जी इंटरटेनमेंट का शेयर करीब 1.5% की गिरावट के साथ 170.95 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। गो फर्स्ट के लिए बैंक ज्यादा बोली का इंतजार कर सकते हैं। बजट एयरलाइंस स्पाइसजेट के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अजय सिंह और बिजी बी एयरवेज के कंसोर्टियम ने गो फर्स्ट के लिए 1600 करोड़ रुपए की बोली जमा की है। इसमें से 1000 करोड़ रुपए गो फर्स्ट के अधिग्रहण के लिए हैं, जबकि 600 करोड़ रुपए इस कंपनी की सेवाओं को दोबारा शुरू करने के लिए निवेश किए जाएंगे। हालांकि बैंकों को इस सौदे के जरिए 7000 करोड़ रुपए की वसूली करनी है। खबर के चलते आज बॉम्बे बुमराह का शेयर करीब 1% की बढ़त के साथ 1,746 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। केंद्र सरकार की ओर से 25% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के नियम को पूरा करने के लिए हुडको के 33.70 लाख शेयर ओपन मार्केट के जरिए बेचे जाएंगे। ये बिक्री अगले 12 से 15 महीने में पूरी होगी, जो कि 26 फरवरी से एक या अधिक चरणों में बेचने की सरकार की योजना है। फिलहाल सरकार की इस योजना में 75.17% हिस्सेदारी है। खबर के चलते आज हुडको का शेयर करीब 2.25% की बढ़त के साथ 203.80 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर ने 213.80 रुपए का हाई भी छुआ था। मैक्स हेल्थ केयर के बोर्ड ने लखनऊ में 500 बेड का अस्पताल बनाने के लिए जमीन खरीदने को मंजूरी दे दी है। ई ऑक्शन के जरिए कंपनी के बोर्ड ने 21,946 स्क्वायर मीटर की जमीन 167 करोड़ रुपए में खरीदने को हरी झंडी दे दी है। 31 दिसंबर तक इस कंपनी की कुल क्षमता बढ़कर 3,550 बेड होने का अनुमान है। कारोबार की समाप्ति पर आज मैक्स हेल्थ केयर का शेयर करीब 2% गिरकर 835.95 रुपए पर बंद हुआ। एल्कम लैब्स का शेयर आज 14% की बड़ी गिरावट के साथ 4,659 रुपए के स्तर तक फिसल गया था।
एक रिपोर्ट के मुताबिक आयकर विभाग की जांच में इस कंपनी को लेकर 1000 करोड़ रुपए की टैक्स की चोरी पता चली है। बड़ी मात्रा में टैक्स चोरी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद पिछले साल विभाग की ओर से की गई जांच में पता चला है कि कंपनी ने कथित तौर पर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के फर्जी डिडक्शंस का दावा किया है। कारोबार के अंत में एल्कम लैब्स के शेयर में आज 7.5% की कमजोरी के साथ 5013 रुपए पर क्लोजिंग हुई। अब बात आईपीओ मार्केट की। जीबीटी हेल्थ केयर का आईपीओ आखिरी दिन कुल 8.52 गुना भरकर बंद हुआ। इस आईपीओ में क्यूआईबी यानी कि संस्थागत निवेशकों का हिस्सा सबसे ज्यादा 17.3 गुना, एनआईआई का कोटा 11.02 गुना और रिटेल निवेशकों का हिस्सा सबसे कम केवल 2.44 गुना ही भर पाया। 177 रुपए से 186 रुपए के प्राइस बैंड वाले इस आईपीओ के जरिए कंपनी की 525 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। तो आज के कॉरपोरेट सेंट्रल में बस इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉरपोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी नाइन और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी नाइन ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूँ आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूँ विदा। धन्यवाद।